अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की, ये है लेक्चर नंबर 4। आज की वीडियो में आप बात करेंगे एयरपोर्ट इंग्लिश की, यानी ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस आप सीखेंगे जिन्हें आप एयरपोर्ट पे बोलते हैं जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं। एयरपोर्ट पे आमतौर पर अंग्रेज़ी ऐसी ज़बान है जो कि कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, पूछते हैं चीज़ें, या अगर आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वहाँ एयरपोर्ट का जो अमला होता है वो आपसे कुछ सवाल पूछता है। तो वो किस तरह के सवाल पूछते हैं और उनके जवाब किस तरह से देने हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में, वो सारे के सारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये सवाल रिलेटेड होंगे अगर आप चेक इन पॉइंट पे होते हैं, यानी चेक इन काउंटर पे आप हों तो वहाँ पे किस तरह के सवाल पूछते हैं और आपको क्या जवाब देने। इसके अलावा सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे और साथ ही साथ अनाउंसमेंट्स, जब एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट्स होते हैं, ऐलानात होते हैं, तो आपको पता हो कि वो क्या बोल रहे हैं। और अगर आप इन अनाउंसमेंट को सही तरीके से नहीं सुनते, सुन नहीं पाते, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर सकते हैं। इस लेक्चर को पूरा देखिए ताकि आप अपने इल्म में इजाफा कर सकें। चैनल से मुंसलिक रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। बात करते हैं एयरपोर्ट इंग्लिश की, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं तो आप जाते हैं चेक इन काउंटर पे, वहाँ किस तरह से आप मुखातिब होते हैं लोगों से, कैसे गुफ्तगू करते हैं। नंबर 1, वेयर इज़ द चेक इन काउंटर, चेक इन काउंटर कहाँ है। आमतौर पे जब आप एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं तो आपको जाना पड़ता है चेक इन काउंटर पे। तो वहाँ जाने के लिए अगर आपको उस काउंटर का नहीं पता, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किसी गलत जगह ना चले जाएँ, आपको एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़े, तो आप वहाँ किसी से ये पूछ सकते हैं वेयर इज़ द चेक इन काउंटर। आप ये भी पूछ सकते हैं विच इज़ द क्यू फॉर बोर्डिंग पास, विच इज़ द क्यू फॉर बोर्डिंग पास, क्योंकि जब आप चेक इन करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास के लिए कौन सी कतार है। विच एयरलाइन आर यू फ्लाइंग विद, आप किस एयरलाइन के साथ प्रवास कर रहे हैं। अगर आप किसी से सवाल पूछते हैं तो ये सवाल एयरपोर्ट पर आपसे वो लाजमी पूछेंगे, Which airline are you flying with? या आप कह सकते हैं I'm flying with Gulf Airline, मैं Gulf Airline के साथ प्रवास कर रहा हूँ, I'm flying with Gulf Airline। या अगर वो पूछता है Which airline, तो आप कहेंगे Gulf Airline। Sorry, I didn't get you, माफ़ कीजिए मुझे समझ ना आई। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा और आपको समझ में ना आई तो आप फॉर्मल वे में पूछ सकते हैं Sorry, I didn't get you। You have an economy class ticket, आपके पास इकोनॉमी क्लास का टिकट है। You have an economy class ticket, आमतौर पर आपके पास इकोनॉमी क्लास का टिकट ही होता है। Follow these cues, इन कतारों में शामिल हो जाएं। अगर आपसे कोई इशारा करके कहता है follow these cues, तो इसका मतलब है कि जो कतारें लगी हुई हैं आप उनमें जाके किसी एक कतार में शामिल हो जाएं। Follow these cues, अगर वो एक की तरफ इशारा करता है तो वो कहेगा please join that queue, उस कतार में शामिल हो जाएं, यानी इन सब कतारों में से वो वाली कतार आपकी है, स्पेसिफिक कतार है, तो प्लीज जॉइन दैट क्यू, या वो कहेगा जॉइन दैट क्यू। कुड यू शो मी योर टिकट, क्या आप मुझे अपना टिकट दिखा सकते हैं। कुड यू शो मी योर टिकट, ये सवाल आमतौर पर आपसे पूछा जाता है जब वो आपसे टिकट मांगते हैं, या ये भी आपसे कह सकते हैं कैन आई सी योर टिकट, क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूँ। Can I see your ticket? आप जवाब देंगे Yes, here it is. हाँ ये है, Yes, here it is. How many bags do you have? आपके पास कितने बैग हैं। How many bags do you have? I have two bags. मेरे पास दो बैग हैं। I have two bags. How many bags are you checking in? आप कितने बैग चेक इन कर रहे हैं। आमतौर पर जब आप किसी इंग्लिश कंट्री में होते हैं तो वहाँ पे ज़रा आपको बताया कि मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं। अरब कंट्रीज़ में और एशियन कंट्रीज़ में इंग्लिश तो बोलते हैं तो वो थोड़ी सी इनफॉर्मल भी बोल लेते हैं, तो वहाँ पे ज़रा फॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है हाउ मेनी बैग्स आर यू चेकिंग इन, आप कितने बैग चेक इन कर रहे हैं। तो आप फिर जवाब भी उसी तरह दें आई हैव टू बैग्स टू चेक इन, मेरे पास चेक इन करने के लिए दो बैग हैं। आई हैव टू बैग्स टू चेक इन, प्लीज़ कीप इट ऑन द बेल्ट, बराए करम इसे बेल्ट पर रखें। प्लीज कीप इट ऑन द बेल्ट, हियर यू गो, ये लीजिए। योर लगेज इज ओवरवेट, आपके सामान का वजन ज़्यादा है।
योर लगेज इज ओवरवेट। अक्सर ऐसी सिचुएशन का आपको सामना रहता है, अगर आपका लगेज ज़्यादा होता है, उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप वो आपसे कह सकते हैं योर लगेज इज ओवरवेट। डू यू हैव एनी हैंड लगेज, आपके पास कोई हैंड कैरी है? डू यू हैव एनी हैंड लगेज? यस आई डू, हाँ मेरे पास है। अगर आपके पास है तो आप कह सकते हैं यस आई डू, अगर नहीं है तो आप कहेंगे नो आई डोंट। आई ट्रांसफर सम इन हैंड कैरी बैग, मैं कुछ हाथ से ले जाएंगे बैग में मुंतकिल करूँगा। आई ट्रांसफर सम इन हैंड कैरी बैग, अगर सामान ओवरवेट होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किलो दो किलो का फ़र्क होता है, तीन किलो का फ़र्क होता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं उन्हें बैग से निकाल के अपने हैंड बैग में डाल देता हूँ क्योंकि उसमें जगह है। आई विल ट्रांसफर सम इन हैंड कैरी बैग। इट्स ऑलमोस्ट 7 kgs, ये तकरीबन 7 kg है। इट इज़ ऑलमोस्ट 7 kgs। कैन आई गेट अ विंडो सीट, क्या मुझे विंडो सीट मिल सकती है? कैन आई गेट अ विंडो सीट? हियर इज योर बोर्डिंग पास, ये है आपका बोर्डिंग पास। हियर इज योर बोर्डिंग पास, आपका बोर्डिंग टाइम 10:15 है। योर बोर्डिंग टाइम इज 10:15 AM, योर बोर्डिंग टाइम इज 10:15 AM। व्हेन शुड आई बी एट द गेट, मुझे गेट पर कब होना चाहिए? व्हेन शुड आई बी एट द गेट? बी देयर एट 7:30 PM, शाम 7:30 बजे यानी 7:30 पे वहाँ मौजूद हों। बी देयर एट 7:30 PM। प्लीज प्रोसीड टू गेट 10, बराह करम गेट नंबर 10 की तरफ जाएं। आमतौर पर जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है तो वो आपसे इशारा करके कहता है कि वो फलाने गेट की तरफ जाएं। तो मैंने ऐसे नंबर लिख दिया, प्लीज़ प्रोसीड टू गेट नंबर 10। या डायरेक्टली वो आपसे ये भी कह सकता है गो फॉर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के लिए जाएं, गो फॉर द सिक्योरिटी चेक। अब आप आते हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे भी कुछ बातें होती हैं, वो क्या होती हैं, लेट्स लुक एट। नंबर 1, डू यू हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्या आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक अशिया हैं? डू यू हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स? यस आई हैव अ लैपटॉप, हाँ मेरे पास लैपटॉप है। यस आई हैव अ लैपटॉप। डू यू हैव एनी लिक्विड, क्या आपके पास कोई लिक्विड या माया चीज़ है? ये भी आमतौर पर पूछा जाता है, डू यू हैव एनी लिक्विड? नो आई डोंट, नहीं मेरे पास नहीं है। नो आई डोंट। पुट योर आर्म्स आउट, अपने बाजू बाहर रखो। अगर आप अंग्रेजों के मुल्क में एयरपोर्ट में पुट योर आर्म्स आउट वो आपसे कहता है तो आप हाथ ऊपर ना खड़े कर दें, इसका मतलब ये है कि अपने हाथों को फैला दें। आर यू वेयरिंग अ बेल्ट, क्या आपने बेल्ट पहनी हुई है? आर यू वेयरिंग अ बेल्ट? रिमूव योर वॉच एंड बेल्ट, अपनी घड़ी और बेल्ट को उतार दें। प्लेस आइटम्स इन द ट्रे, अशिया को ट्रे में रखें। प्लेस आइटम्स इन द ट्रे। जस्ट कीप योर बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट, बस अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट रखें। जस्ट कीप योर बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट। देखिए इस सिचुएशन का हर एक को सामना रहता है। आप मशीन में से गुजरते हैं, मशीन अलार्म पैदा करती है, तब वो आपसे कहते हैं कि भाई अपने बेल्ट को भी उतार दें, और बेल्ट को उतारने के बाद क्या करें, प्लेस आइटम्स इन द ट्रे, जो जो आइटम्स आपने निकाले हैं या उतारे हैं उन्हें आप इस ट्रे में रखें। अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट अपने हाथ में रखें, बाकी चीज़ें वहाँ रखते हैं। अब हम बात करते हैं अनाउंसमेंट्स की। कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं एयरपोर्ट पे, अक्सर सुनी होंगी आपने, वो क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, फ्लाइट 105 इज़ नाउ बोर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप सुनते हैं कि फ़्लाइट 105 पे बोर्डिंग हो रही है, यानी फ़्लाइट पे लोगों को चढ़ाने का काम या लोगों को मुंतकिल करने का काम शुरू हो गया है, यानी लोग जा रहे हैं, तो फिर आप अपनी फ़्लाइट नंबर याद रखें, आप उसी जगह पे मौजूद हैं, राइट जगह पे, सो दैट यू कैन प्रोसीड। फ्लाइट 105 इज़ नाउ बोर्डिंग। फ़्लाइट 105 इज़ डिलेड, प्रवास 105 में ताखीर है। अगर डिलेड है तो वो बता सकते हैं फ़्लाइट 105 इज़ डिलेड। फ़्लाइट 105 हैज़ बीन कैंसल्ड, प्रवास मनसूख कर दी गई है। फ़्लाइट 105 हैज़ बीन कैंसल्ड। मिस्टर समीर प्लीज़ प्रोसीड्स टू द इंफॉर्मेशन डेस्क, अक्सर इंफॉर्मेशन के लिए लोगों को बुलाया जाता है, आपने नाम के साथ सुना होगा, वो नाम के साथ लोगों को इंफॉर्मेशन डेस्क पे बुलाते हैं कि वो अगर करीब करीब हों तो वहाँ चले जाएं।
Mr. Samir, please proceed to the information desk. This is the final call for the flight 105 to Malaysia. मलेशिया की परवाज 105 के लिए ये आखिरी कॉल है, ये भी आप 100% सुनते होंगे एयरपोर्ट पे। This is the final call for the flight 105 to Malaysia. मलेशिया मैंने मुल्क का नाम लिखा है, लेकिन कोई भी मुल्क हो सकता है जहाँ के लिए आप फ्लाई कर रहे हैं। अब कुछ सेंटेंसेस इनसाइड द प्लेन, हवाई जहाज के अंदर जब आप घुस रहे होते हैं, अंदर बोर्डिंग हो रही होती है, तो वहाँ किस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। ये मिलता है सबसे पहले वेलकम बॉल, जहाज में आपका खैर मकदम। जो आपकी एयर होस्टेस होती है, फ्लाइट अटेंडेंट होती है, स्टूवर्डेस होती है, वो आपको गेट पर रिसीव करती है, वो कहती है वेलकम अबोर्ड। प्लीज बी सीटेड, बराए करम बैठे रहें। प्लीज बी सीटेड, फैस्टन योर सीट बेल्ट्स, अपने सीट बेल्ट बांधें। Fasten your seat belts. I want to change my seat. मैं अपनी सीट तब्दील करना चाहता हूँ। अगर आपको सीट पसंद नहीं है, जो लोग बैठे हुए आपके साथ पसंद नहीं है, आप फीमेल हैं और सारे मेल बैठे हुए, यू नो यू वांट टू गो टू द फीमेल साइड, किसी ऐसी जगह जहाँ फीमेल्स बैठी हों, या मेल हैं तो फीमेल यू नो वांट टू गो टू अनदर मेल साइड, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू चेंज माई सीट। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या खाना चाहते हैं, ये आपको जो एयर होस्टेस या स्टूवर्डेस होगी वो ये बोलते हुए सुनाई देगी। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आई विल हैव द चिकन, मैं चिकन खाऊंगा। लेकिन वहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, चिकन, बीफ एंड फिश, जो मेन आपका मेन्यू होता है, तो उसमें आपको एक चूज कर सकते हैं। अगर आपने चिकन खाना है तो आप कह सकते हैं आई विल हैव द चिकन। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना पसंद करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आई विल हैव द मैंगो जूस, मैं आम का जूस पीऊंगा। आई विल हैव द मैंगो जूस। कुड यू गिव मी सम वाटर, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं। कुड यू गिव मी सम वाटर, खाना मिल गया, मैंगो जूस आपने पी लिया, आप आपको कुछ पानी चाहिए, तो आप बड़ा फॉर्मल अंदाज में, अच्छे अंदाज में पूछ सकते हैं स्टूवर्डेस से, वो भी खुश हो जाएगी। कुड यू गिव मी सम वाटर, क्या आप मुझे आप थोड़ा सा पानी दे सकती हैं। प्लीज ऐड सम मोर शुगर, बराए करम कुछ चीनी शामिल करें। Please add some more sugar. I need more sugar. मुझे चीनी ज़्यादा चाहिए, ये भी आप कह सकते हैं I need more sugar. Excuse me, I want to go to the toilet. माज़रत, मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ। Excuse me, I want to go to the toilet. अगर आपकी सीट विंडो के पास है, मिडिल में, तो आप साथ वाले आदमी को ज़रा प्यार से कह सकते हैं। यकीनन आप दूसरे पैसेंजर से अच्छे तरीके से फॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी आई वॉन्ट टू गो टू द टॉयलेट। इज दिस योर लगेज, क्या ये आपका सामान है। इज दिस योर लगेज, दैट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। दैट्स नॉट माइन, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई अंदाजा नहीं। I have no idea. How are you doing? आप कैसे हैं? How are you doing? I'm doing great, thank you. मैं बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया। I'm doing great. Is this your first time to visit? क्या ये आपका दौरा करने का पहला मौका है? Is this your first time to visit? Yes, this is my first visit. हाँ, ये मेरा पहला दौरा है। Yes, this is my first visit. No, I've been working here. नहीं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। No, I've been working here. अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं कुछ अरसे से, तो आप वहाँ ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, आप मिलते हैं कस्टम ऑफिसर से, और वहाँ पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ज़रा उनकी बात करते हैं। Can I see your passport? क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ। Can I see your passport? कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, हियर इट इज, हाँ ये है। वेयर डिड यू फ्लाई फ्रॉम, आपने कहाँ से प्रवास की। वेयर डिड यू फ्लाई फ्रॉम, देखिए आमतौर पर इंग्लिश कंट्रीज में ये होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। यहाँ कुछ कंट्रीज में तो नहीं पूछा जाता, जैसे अरब और गल्फ कंट्रीज होती हैं, लेकिन इंग्लिश कंट्रीज में इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी सवाल ज़रूर पूछते हैं, ताकि आपको क्लियर करके आगे भेज दें। वेयर डिड यू फ्लाई फ्रॉम, आपने कहाँ से प्रवास की। I came from Italy. मैं इटली से आया हूँ। I came from Italy. What is the purpose of your visit? आपके दौरे का मकसद क्या है। What is the purpose of your visit? I came on business trip.
मैं कारोबारी दौरे पर आया हूँ। आई केम ऑन बिजनेस ट्रिप। आई एम ऑन स्टूडेंट वीज़ा। मैं स्टूडेंट वीज़ा पर हूँ। आई एम ऑन स्टूडेंट वीज़ा। आई एम ऑन ओपन वर्क वीज़ा। मैं ओपन वर्क वीज़ा पर हूँ। आई एम ऑन ओपन वर्क वीज़ा। इनमें से किसी कैटेगरी में आप हैं तो आप इन्हीं में से कोई सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे। आप कितना अर्सा रुकने का इरादा कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे। आई विल बी स्टेइंग ओनली टू मंथ्स। मैं सिर्फ 2 माह रहूँगा। आई विल बी स्टेइंग ओनली 2 मंथ्स। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिखी है। आप ज़्यादा अर्से के लिए ठहरते हैं या ठहर रहे हैं तो फिर आप यहाँ अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। वेयर विल यू बी स्टेइंग। आप कहाँ रहेंगे। वेयर विल यू बी स्टेइंग। आई विल बी स्टेइंग इन कुआलालंपुर। मैं कुआलालंपुर में रहूँगा। कुआलालंपुर मलेशिया का कैपिटल है। आप कह सकते हैं, मैंने ऐसी एग्जाम्पल के लिए सिटी का नाम लिख लिया है। आप कोई भी सिटी का नाम या जगह का नाम लिख सकते हैं जहाँ आप रहने वाले हैं। आई विल बी स्टेइंग इन कुआलालंपुर। हैव यू एवर बीन टू मलेशिया बिफोर। क्या आप पहले कभी मलेशिया आए हैं। हैव यू एवर बीन टू मलेशिया बिफोर। नो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। नहीं, ये मेरा पहला दौरा है। नो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर। क्या आपके पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ है। डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जो पीछे आपने किसी को नहीं बताई हो, क्योंकि ये आखिरी जगह है पूछने की। आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर। मेरे पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ नहीं है। I have nothing to declare. देखिए, ये जो कस्टम ऑफिसर के जितने भी सवाल थे, ये 100% इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं अगर आप किसी दूसरे मुल्क का विजिट करते हैं तो। Where do I collect my baggage? मैं अपना सामान कहाँ से लूँ। अगर आप कस्टम ऑफिसर से निकल गए, अब आपने क्लेम करना है अपना सामान और एग्जिट यानी निकलना है वहाँ से, तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं अगर आपको ये बताना हो कि आपका बैगेज कहाँ है, आप कहाँ से ले सकते हैं। I didn't see my luggage. मैंने अपना सामान नहीं देखा। I didn't see my luggage. Where can I exchange money? मैं पैसों का तबादला कहाँ कर सकता हूँ। Where can I exchange money? Where is the departure gate? रवानगी का दरवाज़ा कहाँ है। Where is the departure gate? Where do I find taxi? मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी। Where do I find taxi? I'm afraid I can't help you. माज़रत, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। I'm afraid I can't help you. अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप ये अच्छा सा प्यारा सा सेंटेंस वहाँ बोल सकते हैं। अब हम कुछ कॉमन सेंटेंसेस की बात करते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं अगर आप टिकट बुक कर रहे हो या वैसे किसी से बात कर रहे हो, तो इन सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। How much is the fare? किराया कितना है। How much is the fare? It costs $1,000. इसकी कीमत $1,000 है। It costs $1,000. How long is the flight? फ्लाइट कितनी लंबी है। How long is the flight? It is 10 hours flight. ये 10 घंटे की परवाज है। It is 10 hours flight. Is it a direct flight? क्या ये बराह रास्त परवाज है। Is it a direct flight? No, there is a stopover. नहीं, एक जगह रुकना है। No, there is a stopover. There is a stopover in Bahrain. बहरीन में एक stopover है। There is a stopover in Bahrain. Is my flight on time? क्या मेरी प्रवास वक्त पर है। Is my flight on time? No, your flight is delayed. नहीं, आपकी प्रवास ताखिर का शिकार है। No, your flight is delayed. Yes, it is on time. हाँ, ये वक्त पर है। Yes, it is on time. यानी आपकी फ्लाइट वक्त पर है। When did you book your ticket? आपने अपना टिकट कब बुक किया। When did you book your ticket? I booked my ticket last week. मैंने पिछले हफ्ते अपना टिकट बुक किया था। I booked my ticket last week. या last month.
तो यही ऐसे सेंटेंसेस हैं जो एयरपोर्ट पे बोले जाते हैं, ये यानी मुख्तलिफ मकामात पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इस तरह से इनके जवाब भी दिए जाते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं पहली दफ़ा तो इस लेक्चर को आप ज़रूर देखिए, लेक्चर बहुत काम का है आपके लिए। मुकम्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का, जाइए यूट्यूब के सर्च बार में और टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे, वहाँ इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ की इंग्लिश पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आई विल सी यू देयर, मैं उसका जवाब आपको वहाँ ज़रूर दूंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।